दोस्तों आज हम बात करेंगे STL टैग के स्टॉक के बारे में। STL टैग के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.66% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक है 174 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 179, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 188, और अगर यहाँ पर स्टॉक इसको यहाँ ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 195, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 209, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 236 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक है 168 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से स्टॉक है 160, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से स्टॉक है 152 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।